नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं लास्ट समय जो हमने आपके साथ 6.1 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लिए होंगे। ठीक है जी, तो आज हम आपके लिए बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। बड़े ही सिंपल, बड़े ही आसान से है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कहता है। हमारे पास एक रेखा है ए बी, एक किरण है ओ सी और एक किरण है ओ डी। इनसे हमारे पास 4 कोण बन रहे हैं। ये वाला कोण एक्स है, ये वाला कोण डब्ल्यू है, ये वाला कोण जेड है और ये वाला कोण वाई है। ठीक है जी, आपसे क्या कहता है, जो एक्स जमा वाई है वो डब्ल्यू जमा जेड के बराबर है। कहने का मतलब कोण एक्स में जब कोण वाई को जोड़ते हैं तो डब्ल्यू जमा जेड के बराबर आता है। हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक रेखा है। तो ए ओ बी कहां है, देखिए ये हमारे पास ए है ना, थोड़ा साफ सुथरा सा बना ले, बढ़िया सा ऐसे। ए ओ बी क्या है, एक रेखा। हमने आपको यह सिखाया था एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 डिग्री होता है। और अगर मैं यह दिखा दूं कि सारे कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। अरे भाई ठीक है, देखो ए ओ बी पे कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो एक्स बन रहे हैं, एक वाई बन रहा है। अगर मैं एक्स जमा वाई को 180 दिखा दूं तो मैं कह दूंगा ये रैखिक युग्म है, एक रेखा पे बनता है, इसलिए जो ए ओ बी होगी वो भी एक रेखा होगी। अच्छा ऐसे है क्या, चलो शुरू करते हैं। हमें सिद्ध ये करना था, तो जब हमें सिद्ध करना होता है तो हमने आपको सिखाया था वहां पर क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। फिर आप क्या लिखोगे, आपको मालूम है एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग। ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पीरियड में बताया था, जब हमने आपको पहली क्लास दिया था तो बताया था एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 डिग्री होता है। तो कौन से रहे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो आप इसको लिख दोगे, इसलिए एक्स जमा वाई जमा डब्ल्यू जमा जेड किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के बराबर आ गया। अरे ठीक है ना, ओ एक बिंदु है, इसके चारों तरफ 4 कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अरे ठीक है, तो हमने लिख दिया x जमा y जमा w जमा z किसके बराबर है, 360 के बराबर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x और y, इसका मतलब w z तो नहीं चाहिए। हमें ये दे रखा है कि जो w जमा z है वो x जमा y के बराबर है। ठीक है, हम धक्के से थोड़ी लिख रहे हैं, उसने हमें कह रखा है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस w जमा z की जगह पे x जमा y लगा देंगे। जब आप लगाओगे तो क्या बनेगा, हम इसको लिखेंगे x जमा वाई और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x जमा वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक है, x में x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, y में y को जोड़ेंगे तो 2y आएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। हमने 2 को बाहर निकाला तो बीच में आएगा x जमा वाई 360। अरे भी ठीक है, तो x जमा वाई किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री, ये 2 गुना का था उधर जाके भाग का हो जाएगा, इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए x जमा वाई किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये x है और ये y है ये रैखिक युग्म है ना, और आसन कोणों का योग है। इसके लिए क्या होता है, एक किरण उनके उभयनिष्ठ होनी चाहिए, कहने का मतलब जो ए बी है वो एक उभयनिष्ठ भुज है, तो आप क्या लिखोगे, परंतु यह तो रैखिक युग्म है, परंतु यह तो रैखिक युग्म है जो एक रेखा पर बनता है। अरे भाई ठीक है, जो एक रेखा पर बनता है, परंतु यह तो एक रैखिक युग्म है जो एक रेखा पे बनता है। तो कौन सी रेखा पे बन रहा है, एओबी पे, इसलिए लिख देना, इसलिए
ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। इसलिए जो ए ओ बी है वो एक रेखा है, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया। तो आप लिख देना इति सिद्धम। इस प्रकार हमारे द्वारा सिद्ध किया गया कि ए ओ बी एक रेखा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, एक बिंदु के चारों तरफ चार कोण बन रहे थे, हमने कहा सबका योग 360 होता है, एक्स जमा वाई डब्ल्यू जमा जेड के बराबर है। डब्ल्यू जमा जेड की आवश्यकता नहीं है, तो डब्ल्यू जमा जेड की जगह एक्स प्लस वाई रखा। एक्स में एक्स को जोड़ा 2x, वाई में वाई को जोड़ा 2y, दो को बाहर निकाला, दो नीचे जाएगा कटेगा, तो एक्स जमा वाई जो है वो 180 के बराबर होगा। परंतु ये तो रेखीय युग्म है, एक रेखा पे बनता है, किस पे बन रहा है, AOB पे। इसलिए जो AOB हमारे पास है वो एक सरल रेखा होगी, ठीक है जी। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना दे क्या रखा है, करना क्या है। आपसे कहता है पी ओ क्यू एक रेखा है। देखो पी ओ क्यू कहां है, ये पी ओ क्यू एक रेखा है, बिल्कुल सही कह रहा। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो किरण ओ आर है ये ओ आर है, ये पी क्यू पर लंब है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था ये वाला जो निशान होता है लंब का होता है, और लंब का मतलब जो है कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है जी। किरण ओ पी और ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस स्थित है। देखो ओ आर ये है, ओ पी ये है, इसके बीच में एक किरण और है जिसका नाम क्या है, ओ एस है। हम लोगों को सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर है 1/2। देख लेते ना कहां कहां पे। सबसे पहले वो कह रहा है आर ओ एस, मुझे देख के बताओ कहां पे, आर ओ एस। इसका मतलब ये जिसको मैंने पीला कोण किया अभी पीला पीला किया है, ये हमारे पास आर ओ एस है। फिर आपसे क्या कहते हैं क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस जो है वो कहां पे, क्यू ओ एस, तो इसका ले इस वाले कोण की बात करें। फिर कहता है पी ओ एस, ये पी ये ओ ये एस, तो ये इस वाले कोण की बात करें, ठीक है। उसको भी मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसका रीजन है मैंने क्यों नहीं बनाया। तो देखो मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आऊंगा, जो मुझे दे रखा है उसी का इस्तेमाल करूंगा और वो सिद्ध करके दिखाऊंगा जो वो हमसे पूछ रहा है। उसने हमसे ये बोला एक रेखा है, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा। उसने हमसे ये कहा कि जो है ना, जब हम सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करते समय क्या लिखा जाता है, प्रमाण लिखा जाता है, ठीक है। उसने हमसे कहा कि जो रेखा जो किरण ओ आर है वो पी के ऊपर लंब है, ठीक है। ये जो उल्टा टी है, इस उल्टे टी का मतलब क्या है, लंब होता है। ऐसा हम कहीं से नहीं लेके आए, अपने घर से भी नहीं लाए, उसने हमें ऐसा दे रखा है कि ये तो है कि जो ओ आर है वो पी क्यू के ऊपर लंब है, ठीक है। अगर ओ आर पी क्यू के ऊपर लंब है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो 100% गारंटी है कि जो ये वाला कोण होगा ये भी 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है। अगर ये 90 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखो बोलो फटाफट, जो हमें दे रखा है वो कौन कौन सा है, क्यू ओ आर। तो मैंने इसको लिख दिया यहां से, या पहले इसका नाम लिख दो पी ओ आर, ठीक है। तो हमने इसको लिखा जो पी ओ आर है साथ में कौन सा, क्यू ओ आर, जो क्यू ओ आर है वो बराबर है, और साथ में लिख देना क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अरे भाई ठीक है ना, ये वाली किरण जो है वो इस रेखा पे लंब है, ये कोण 90 का है, तो 100% गारंटी है कि ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इन दोनों कोणों को ध्यान से देखो और वो देखो जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है आर ओ एस। मुझे देख के बताओ क्या इसमें कहीं आर ओ एस दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा। फिर मैंने बोला देखो क्यू ओ एस, तो आप कहोगे सर इसमें तो क्यू एस भी नहीं दिख रहा। फिर मैंने बोला पी ओ एस, आप बोलोगे सर पी ओ एस भी नहीं दिख रहा। अब क्या करें, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं
और इन चीजों को इसमें लाने की कोशिश करते हैं कि ये वाली चीजें इसमें थोड़ी थोड़ी करके दिखने लगे। अरे भाई ठीक है, जो क्यू ओ आर है उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये पी ओ एस, जो ये पी ओ आर वाला कोण है, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इस पीलू से और एक इस नीलू से, है ना। जो नीले वाला कोण है उसका नाम है नीलू कोण, और जो ये वाला कोण है इसका नाम है पीलू कोण। अगर मैं नीलू को पीलू में जोड़ दूं तो मुझे पी ओ आर मिल जाएगा, ठीक है। तो पी ओ आर को हम लोग तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नीलू को लिखते हैं। नीलू का नाम क्या है, पी ओ एस, तो मैंने इसकी यहां पे लिख दिया पी ओ एस जमा में। अब बारी है पीलू वाले की, पीलू वाले का नाम क्या है, आर ओ एस, तो हमने इसको लिख दिया आर ओ एस, और किसके बराबर है ये हमारे पास, बराबर है क्यू ओ आर के, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो ये वाला कोण था ना, कौन से वाला, ए ये वाला कोण, जिसको मैं गुलाबी गुलाबी कराऊं, ये जो गुलाबी वाला कोण था, इस गुलाबी वाले कोण को दो कोणों में तोड़ के लिख दिया, एक कोण ये नीलू है, एक कोण ये पीलू है। नीलू का नाम है पी ओ एस और इस पीलू का नाम है आर ओ एस, तो बड़े वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर था, तो उसको मैंने वहां पे लिख दिया। अब देखो क्या हमें कुछ ऐसा मिला जो हमें चाहिए था, हमें आर ओ एस चाहिए था, दिखना शुरू हो गया। हमें क्यू ओ एस चाहिए था, नहीं दिख रहा अभी भी। हमें पी ओ एस चाहिए था, पी ओ एस जो है वो मुझे दिखना शुरू हो चुका। बस एक कोण है जो मुझे नजर नहीं आया, वो कोण कौन सा है, वो कोण हमारे पास कौन सा है, क्यू ओ एस है। तो अब इस भाई साहब को देखते हैं, ये क्यू ओ एस कहां पे बैठे हैं। जब मैं क्यू ओ एस की बात करूंगा, देखो ये क्यू है, ये ओ है और ये एस है, इसका मतलब ये वाले भाई साहब इस वाले संतरी संतरी कोण की बात करें जो हमने ये किया है, क्यू ओ एस। अब आप ये देखो क्यू ओ एस किसकी जहां बनाया जा सकता है, ये क्यू ओ आर की जहां बनाया जा सकता है, बस किसकी कमी है, इसको कमी है किसकी, आर ओ एस की। अगर मैं इस वाले कोण को इस वाले कोण में जोड़ दूं तो मुझे पूरा का पूरा संतरी कोण मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आप लिखोगे दोनों तरफ, दोनों तरफ कोण आर ओ एस, दोनों तरफ कोण आर ओ एस जोड़ने पर, हमने इसके दोनों तरफ आर ओ एस जोड़ दिया, उससे क्या होगा बोलो, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, पी ओ एस जमा आर ओ एस, इस तरफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर ओ एस, इस तरफ जोड़ो इसके क्या आएगा, क्यू ओ आर जमा में आर ओ एस। अरे भाई ठीक है, इससे फायदा क्या होगा भाई, देखो क्यू ओ आर तो हमारे पास ये है, आर ओ एस हमारे पास ये है, जब मैं राइट हैंड साइड वाले दोनों कोनों को जोड़ूंगा तो मुझे दर्शन होंगे किसके, क्यू ओ एस के। तो मैंने इसकी यहां पे लिख दिया पी ओ एस जमा ये आर ओ एस, ये आर ओ एस, तो आप लिख सकते हो दो कोण आर ओ एस। अगर मैं इन दो कोणों को आपस में जोड़ूंगा, है ना, ये वाला भी पीला और ये वाला भी पीला, इनको जोड़ेंगे तो क्यू ओ एस के बराबर आ जाएगा। इसकी जहां पे लिख दो, हमने इसकी जहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यू ओ एस लिख दिया। तो बड़ी खुशी की बात है, अब आपको वो सारी तमाम चीजें नजर आ रही है जो आपको सिद्ध करनी थी। बस अब आपको क्या करना है, दो आर ओ एस को रखना है इधर, इस पी ओ एस को ले जाओ उधर। जब मैं इस पी ओ एस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस वाली चीज किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इस आर ओ एस को ऐसे का ऐसे रखा, ये दो किसका है, गुना का। जब उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो एक बटे दो क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस। अब आप ये देखो हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, आर ओ एस, तो यहां भी आर ओ एस आ गया, एक बटे दो, फिर क्या कहते हैं, क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस आ गया माइनस का पी ओ एस, तो पी ओ एस आ गया। बस खुशी चढ़ गई, मजा आ गया, सवाल तो खत्म कर दिया। इतना आसान सा सवाल है, शुरू शुरू में आपको नाम लिखने में थोड़ी तकलीफ होगी, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। मैं दो मिनट में दोबारा से रिवाइज कराता हूं, डरना नहीं है, डर गए तो मर गए, डरना नहीं है, डराना है। अभी डरेगा देख, सवाल ध्यान से सामने देखो, हमें यह दे रखा था जो ओ आर रेखा है वो पी के ऊपर लंब है,
इनफैक्ट ओ आर किरण है, ओ आर किरण पी के ऊपर लंब है। अगर ये पी के ऊपर लंब है तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है दोनों के दोनों किसके होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो हमने लिखा आर ओ क्यू और पी ओ आर दोनों के दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 का है। फिर हमने अपने उत्तर में देखा क्या हमें ये दो कोण चाहिए, आपने बोला नहीं जी, ना तो ये दिख रहा ना तो ये दिख रहा, हमें तो आर ओ एस लाना है, क्यू ओ एस लाना है, पी ओ एस लाना है। कैसे ला सकते हैं? हमने बोला समस्या का समाधान है ये जो गुलाबी गुलाबी है ना, ये दो भागों में टूट रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना, एक ये नीले वाला और एक ये पीले वाला, दोनों को जोड़ के लिख दो। हमने इसकी जहां पे लिखा पी ओ एस जमा में आर ओ एस, खुशी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमें वैसी वैसी चीज दिखनी शुरू होगी जैसी जैसी हमें चाहिए थी, बहुत बढ़िया है। फिर तो हमें एक चीज की दिक्कत रह गई, भाई अगर किसी तरीके से मैं क्यू ओ एस बना पाऊं तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। फिर हमने देखा क्यू एस कैसे बना सकते हैं। मेरे पास ये वाले भाई साहब बैठे थे और मुझे संतरी वाले कोण पे पहुंचना है, इसका मतलब मुझे किसकी कमी थी, मुझे इस वाले कोण की कमी थी, तो मैंने दोनों तरफ आर ओ एस जोड़ दिया। आर ओ एस जोड़ने से क्या होगा, ये वाले भाई साहब कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे, जिसका नाम होगा क्यू ओ एस। आर ओ एस में आर ओ एस को जोड़ दूंगा तो दो आर ओ एस दिखने शुरू हो जाएंगे, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये दो का है गुना का उधर जाके भाग का हो जाएगा, बस फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे और वो मिल जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसको देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, शुरू शुरू में आपको दिक्कत लगेगा लेकिन जो तरीका मैंने बताया अगर आप उसको अपनाओगे, एक दो बार क्वेश्चन को लिख लोगे, भाई साहब बम पटाखे लगा के उड़ा देंगे इसको। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, आपसे कहते हैं यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो हमें ये दो चीजें निकाल के दिखानी है। सबसे बड़ी समस्या यह कि इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का। ध्यान से देखना क्या कहता है, ये हमारे पास कोई भी एक रेखा है, ठीक है, ए मान लो ऐसे, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, एक्स वाई। फिर आपसे क्या कहते हैं, कोण एक्स वाई जेड, इसका मतलब जो जेड है वो कहीं यहां पे ऐसे होगा, अरे भाई ठीक है, ये आपसे कहता है एक्स वाई जेड। हमने कहा था कोण किस पे बनता है, बीच में बनता है, बीच वाले बिंदु पे, बीच में क्या है, वाई। तो इसका मतलब यहां पे जो कोण बन रहा है वो 64 डिग्री का है, तो एक्स वाई जेड हो गया 64 का। फिर उसने आपसे क्या कहा, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो एक्स वाई को हमने आगे बढ़ा दिया, एक्स वाई को हमने पी तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, फिर आपसे क्या कहते हैं, किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। पहले इसका नाम देखो, जेड वाई पी, जेड से शुरू करके पी पे खत्म करके वाई को बीच में, जेड से शुरू किया, जेड से शुरू किया, वाई को बीच में रखा, पी पे खत्म करा, तो आपसे कहता क्या है, एक रेखा वाई क्यू, ऐसे करके एक रेखा वाई क्यू है जो कि इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब है ये वाला कोण, अगर मैं इसको एक मान लू, इसको मैं दो मान लू, तो ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि ये रेखा इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, नाम बड़े वाले हम बाद में लिख लेंगे, पहले आप इसको ये लिख लो हल, क्योंकि हमें ज्ञात करना था तो हम हल लिखेंगे, सिद्ध करना होता है तो प्रमाण लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को क्या करती है, जेड वाई पी को समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। अगर ये इसको समद्विभाजित करती है तो सीधी सी बात है कोण एक जो होगा वो कोण दो के बराबर होगा, समद्विभाजित। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में। तो ये वाली जो किरण है वो इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है,
तो कोण एक कोण दो के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू। देख के बताओ एक्स वाई क्यू है क्या, एक्स वाई क्यू, जो एक्स वाई क्यू हमारे पास है, एक्स वाई क्यू हमारे पास है 64 डिग्री में, अगर मैं कोण एक को जोड़ दूंगा तो मुझे एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। फिर उसने कहा प्रतिवर्ती कोण किसका, क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी, इसका मतलब दो का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो हमने आपको सिखाया था किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो कोण एक और कोण दो निकाल लो, सवाल अपने आप से हो जाएगा। अरे ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, एक्स वाई पी एक रेखा है। अरे ठीक है, सबको मालूम है एक रेखा है, एक रेखा पे जितने भी कोण बढ़ते हैं सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आज दोबारा से बताओ, लिख लो पट्टे लगा के। ठीक है, लिखो 64 डिग्री जमा कोण एक जमा कोण दो बराबर 180 डिग्री। क्यों, आप इसको लिखोगे एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे भाई ठीक है, एक ही रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 डिग्री होता है। सही है, इस 64 को ले जाओ उधर, जो कोण एक है वो दो के बराबर हम लोगों को दे रखा है क्योंकि वो समद्विभाजित करते हैं, ये 64 प्लस का है, जब ये 64 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोण दो की जगह पे आप कोण एक को लिख दो, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि कोण एक और कोण दो बराबर है, तो कोण दो की जगह पे कोण एक लिख दिया, कोण एक में कोण एक को जोड़ेंगे तो दो कोण एक, 180 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 116। अब आप देख सकते हो जो दो है वो गुणा का है, जब इसको धक्का मार के दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग का बन जाएगा, इसको काटेंगे तो कोण एक किसके बराबर आ गया, 58 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो कोण एक हमारे पास है वो 58 डिग्री के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, जल्दी जल्दी से बोलो, सबसे पहले हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, तो लिखो एक्स वाई क्यू किसके बराबर आएगा। देखो एक्स वाई क्यू है क्या, ये एक्स ये वाई और ये क्यू, इसका मतलब हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। अब मुझे बताओ ये वाला कोण कब निकलेगा, जब मैं 64 में किसको जोड़ूंगा, कोण एक को जोड़ूंगा, जोड़ दो 64 जमा में कोण एक, 64 डिग्री, कोण एक का मान कितना निकला है 58 डिग्री, इसको आपस में जोड़ो 8 और 4 12, एक आगे जाएगा 6 5 11, 11 और एक करेंगे तो कितना आएगा 12। तो आप यहां से देख सकते हो एक्स वाई क्यू का जो मान है वो कितना है 122 डिग्री आ गया। ठीक है जी, दूसरा प्रतिवर्ती कोण किसका, क्यू वाई पी का, प्रतिवर्ती कोण किसका, क्यू वाई पी का, तो क्या करेंगे 360 में से क्यू वाई पी को घटा देंगे, यही मतलब है प्रतिवर्ती कोण का। अब देख के बताओ क्यू वाई पी है कौन सा है, क्यू वाई पी, इसका मतलब ये दो की बात कर रहा, तो इसका मतलब 360 में से कोण दो को घटा दो। अब कोण दो किसके बराबर है, कोण एक के बराबर था, इसका मतलब कोण एक और दो दोनों कितने के हैं 58 के, तो 360 में से हमने 58 डिग्री को घटा दिया, तो जब आप इसको घटाओगे तो आपको उत्तर कितना आएगा 302 डिग्री। तो बिल्कुल सरल सा सवाल था, इसका आंसर हमारे पास आ गया 122 डिग्री और इसका आंसर हमारे पास आ गया 302 डिग्री, है ना, बिल्कुल आसान सा फर्जी सा नकली सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके बीच में। हम लोगों ने क्या किया दोबारा से सुन लीजिए, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाया, डायग्राम हमारे पास गिवन नहीं था, एक्स वाई रेखा को पी तक आगे बढ़ाया, ये पी है पी, ये जो वाई जेड रेखा है एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है 64 का, ये वाली रेखा इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब कोण एक जो है वो दो के बराबर है। हम लोगों को एक तो इस संतरी वाला कोण निकालना है और एक इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, इसके लिए मुझे दो चाहिए और इसके लिए मुझे एक चाहिए, तो कुल मिला के कोण एक और कोण दो निकालना है, अगर निकल गए तो सवाल खत्म है। ठीक है, फिर हमारा ध्यान गया एक्स वाई पी एक रेखा है, एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है, तो 64 जमा एक जमा दो 180 के बराबर है, ये 64 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
कौन एक दो के बराबर था, तो दो की जहां पे एक लगा दिया। कौन एक को दो बार जोड़ेंगे, तो दो कौन एक, 180 में से 64 जाएगा 116, ये दो गुना का है, इधर आके भाग का होगा, काटेंगे तो 58 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब एक भी 58 का, दो भी 58 का। फिर हमें निकालना क्या है, ये संतरी वाला कौन, इस संतरी वाले का नाम क्या है, एक्स वाई क्यू, तो 64 जमा एक, तो 64 जमा 58 कितना आएगा, 122 डिग्री। फिर आपसे कहते हैं क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी क्या है, ये क्यू, ये वाई, ये पी, तो कोण दो की बात कर रहा है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस कर दो, सो 360 में से हमने कोण दो को माइनस कर दिया, कोण दो कितने डिग्री का है, 58 का है, तो 360 में से अगर हम लोग 58 को घटा देंगे तो 302 डिग्री जो है वो क्लियर कट हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है वो खत्म हुई। इसके बीच में एक दो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपको अपने आप से करने हैं, छोड़ने नहीं है, अच्छे से करने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई को कर सके। काम करते रहो, नहीं तो घर आके तुम्हारे कान खींच दूंगा अच्छे से, समझ गए ना। सो थैंक्स टू फॉर भाई, कान खींचने की नौबत ही ना पड़े, आप लोग इसी तरीके से अच्छे प्रकार से अपना काम करते रहो, बस काम करते रहते हैं तो फिर मजा सा जाता है पढ़ाने में भी। ठीक है जी, सो थैंक्स टू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ, इससे भी घटिया, इससे भी नकली एक्सरसाइज है। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, भूल जाता हूं मैं बीच बीच में।